હાલમાં સોશિયલ મીડિયામાં એક વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં શાળાએ જતું નાનું બાળક પોતાની વ્યથા દર્શાવી રહ્યું છે. બાળક નિખાલસતાથી પોતાની મનની વાત કહી રહ્યું છે. જુઓ આ વિડીયો. મુજે તો એ સ્કૂલથી છૂટકારા ચાહીએ એક મહિને. હેરા, સાચી વાત ને? સાચી વાત છે. સ્કૂલમાં આવીએ ને એ સ્કૂલમાં જવાનું, સવારે ઉઠવાનું. સવારે તો ઉઠવાનું પહેલું, પાછું 6 વાગે જેનો સ્કૂલનો ટાઈમ હોય એટલે વાગે ઉઠવાનું, પછી બ્રશ કરવાનો, પાણી પીવાનું, ફટાફટ બધું. પહેલા ઉઠીને પાણી પીવાનું, બ્રશ કરો, ફટાફટ દૂધ પીને તૈયાર થઈ જાય, સ્કૂલ ભાગો. ચલો સ્કૂલમાં જઈ બેઠો, ચલો સ્કૂલ. અને એક ઘંટા પર મેથ, સીરિયસ ઇંગ્લિશ, પછી પૂરે મહિને પ્રેયર, મેડમ આપકો અગર જો યે સ્કૂલ બનાને વાલા મિલ ગયા તો આપ ક્યા કરોગે? મેં ઉસે ધોગે ના પૂરી પાણી ડાલ દુંગા, ઇસ્ત્રી કર ડાલુંગી પૂરી ઘર મેં ઘર મેં. ઉસકો પૂછોગે કે તુસને સબ કુછ અચ્છા બનાયા ભગવાન ને? હા, તો બસ બનના ક્યો કરના, મને બનના ભી થોડા અચ્છા હી તો મને દેતા તો હમકો ભી મજા આતા. રાઈટ, તો ભી મોદી કો ક્યા, મોદી કો ક્યા કહેના ચાહતે હો? क्यों हराना पड़ेगा मोदी को? अरे मोदी ये क्या गलत कर रहा है अब तक? क्या किया उसने? ये जो किया है ना, पढ़ना बना पढ़ना मना ही आई क्यों? वो पहले मुझे बात जान के उसे धो के पानी पानी कर देना है. अच्छा, फिर और स्टेमिना नहीं बहु बोल रही थी. सिस्टर क्या करती है वो? सिस्टर आते तो फिर घर पे आओ 1 बजे के बाद. हां, खाओ, फिर उसका उम्र कर लो, और फिर ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से 4 बजे आओ, आओ आओ और उसका उम्र करने बैठ जाओ ट्यूशन का. तो पूरा दिन पढ़ने का ही, और फिर शाम को 4 बजे नहीं स्कूल का जो उम्र बाकी है वो करके सोने का, फिर उठने का शाम को 4 बजे, उठ के बाद वापस ट्यूशन जाने का, ट्यूशन जाके घर पे आने का, घर पे आके 5 बजे घर पे आने का, घर पे आके वापस पढ़ने का, पढ़ने का उसका ट्यूशन का, और फिर जो थोड़ा स्कूल का बाकी रह गया वो भी करने का, वो भी करने का, और फिर क्योंकि थोड़ी देर खेल के थोड़ा और कर लेने का ट्यूशन का, और तो फिर देखो पूरा दिन पढ़ने का, रात को स्केटिंग क्लास में जाने का. तो पूरा दिन पढ़ने में जाता है. स्केटिंग के बाद ना घर पे आके वो स्केटिंग करेगी. स्केटिंग के बाद ना कौन सी क्लास में जाने का बताओ? ड्राइंग क्लास. ड्राइंग में जी ड्राइंग सीखो, और घर पे आके वो ड्राइंग बना के अच्छे से कलर करो. अब जब होमवर्क ही नहीं करते तो पापा क्या बोलते हैं? बापो सू के तारो. अरे रे पापा क्या डांट खाओ, मम्मी की दूसरी साइड डांट खाओ, सुबह उठो वापस. टीचर की डांट खाओ, टीचर की डांट खाओ, सिस्टर की डांट खाओ, प्रोफेसर की डांट खाओ, सर की डांट खाओ, ये सब पीटी में जाओ. ये सब किस किस वजह से होता है? पढ़ने से ही? पढ़ना ही है, मुझे पूरा पूरा यकीन है. मुझे थक गई मैं, मुझे तो इन टीचरों से, सर से और सिस्टर से छुटकारा चाहिए. वो कैसे मिलेगा? अब तो इस मोदी को धो के इन सर सिस्टर टीचर और सर को उस पे ही बंद कर देने का, मोदी को हरा देंगे, और फिर टीचर सिस्टर एंड सर को उस स्कूल में लॉक बंद करके और सारी स्कूल्स को चूहे छोड़ देंगे, और सारी स्कूल्स को छोड़ देंगे हम. बच्चों को क्या बोलोगे? और अब जितना महीना सोना है सो लो. और उन टीचर्स को तो प्लीज कड़ी में भेज दो. हां, चूहे स्कूल में, चूहे छोड़ दो स्कूल में ही ना, स्कूल में ही उनको एक ऐसे रूम में लॉक कर देने का, फिर चूहे छोड़ देने के. हां, और फिर चूहे छोड़ देने के, और फिर बोलने का इस रूम में रहो और हमेशा रहना, इस रूम के बाहर बिल्कुल नहीं निकलना. एम करें, थैंक यू. आप पूरा छुटकारा. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. थैंक यू.